आपको स्क्रीन पे ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, आपको एक गलत चैनल पे नहीं आई, ये फिजिक्स वाले की कोई क्लास नहीं है। जो भी आपको नीले कलर के इंसान वाले देश मिल रहे हैं, उस कंट्री के अंदर सुजुमी अभी तक ये मूवी रिलीज नहीं हुई है। बट जो आपको डार्क ब्लू में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसी कंट्री पे, यहाँ पे आपको सुजुमी मूवी देखने को मिल चुकी है। और अगर इंडिया को देखिए, ये भी लाइट ब्लू कलर में हमें देखने को मिल रहा है। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे फैंस को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की शक्ति लिटरली मान गया हूँ। जहाँ तक मुझे 3 साल पहले अगर मैं याद करूँगा, एक एनिमे मूवी को बाहर से लाना, इंडिया में रिलीज कराना, वो भी थिएटरों पे, इतना बड़ा काम था। लिटरली इससे ज़्यादा आसान आप पायरेसी में कोई मूवी देख सकते थे। बट आप सारे फैंसों ने बहुत ज्यादा संघर्ष करा है और आपके संघर्ष का ये फल है। कुछ फैंसों ने तो डंडे भी खाए हैं, बट आज उस फल का रिजल्ट यहाँ पे है। सुजुमी एनिमे मूवी ये हमें 21 अप्रैल को देखने को मिलेगी इंडिया में। उसी के साथ जो ये आपको लाइट ब्लू कंट्री देखने को मिली थी, इन सारी कंट्री में सेम डे 14 अप्रैल को हमें सुजुमी मूवी देखने को मिलेगी। सोच रहे हो कितना बड़ा अचीवमेंट है हम एनिमे फैंस के लिए, और इसीलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू, आपके वजह से ये चीज आज पॉसिबल है। अभी मैं कसम से कह रहा हूँ, कैमरे के अलावा कोई भी एनिमे फैन अभी मेरे सामने रहता, मैं उसको चूम लेता, लिटरली उसके हाथ चूम लेता मैं। तुम्हारे वजह से आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। मैं अच्छे टर्म में बात कर रहा हूँ पर। और हमारी सक्सेस की कहानी यहाँ पे तो खत्म बिल्कुल नहीं होती। और जो नया चैप्टर एड हुआ है वो ये है कि सुजुमी, ये जो हमें एनिमे मूवी देखने को मिल रही है इंडिया में, वो सिर्फ जैपनीज डब में हमें देखने को नहीं मिलेगी, यस वो इंग्लिश डब में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आपको एक्साइटमेंट नहीं आया है तो आप ये भी कंफर्म कर लो कि ये मूवी आपको इंग्लिश डब के साथ हिंदी डब में देखने को मिलेगी। और लिटरली ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। जो फैंस हमारे एनिमे जैपनीज डब में नहीं देख पाते, उनके पास ऑप्शन है इंग्लिश डब का। और जो फैंस हमारे इंग्लिश डब में नहीं देख पाएंगे, या जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं जिसको दिखानी है हमें मूवी और वो हमें गाली ना बके, तो उसके लिए हिंदी डब भी हमारे पास अवेलेबल है। इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती। ये इतनी ज़्यादा खुशी है खासकर मेरे लिए कि मैं अब स्वर्ग सिधार सकता हूँ। तो चलो ना, फिर आज हम यही डिस्कस करते, 3 रीजन यू शुड वॉच सुजुमी नो तोजोमारी इन थिएटर्स। तो खुशी के आंसू के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम पहले रीजन की बात करें तो सारे सख्त लोंडो के गुरुजी मोटोको सिंकाई, जैसे कि 5 cm/s, दी गार्डन ऑफ वुड्स, योर नेम, वेडरिंग विद यू, ये सारे एनिमे मूवी के डायरेक्टर सेम है हमारे सख्त लोंडे मोटोको सिंकाई जी। और जिन लोगों को मोटोको सिंकाई डायरेक्टर के बारे में नहीं पता, उन लोगों को अगर मैं वो समझाना है तो सिंपल सा मैं ये समझा देता हूँ। जैसे आप SS राजामौली सर को जानते हो, वैसे ही एनिमे दुनिया के अंदर हमारे मोटोको सिंकाई सर है। बेसिकली ये दोनों बंदे अपने काम में परफेक्शन ढूंढते हैं, और ये दोनों लोग ऐसा काम करते हैं, अगर ये मिट्टी को छुएंगे सोना बना देंगे। और इनके हर एक सीन पर, हर एक चीज पर इतने ज्यादा मेहनत होती है ना, और इसीलिए ये दोनों डायरेक्टर को कंपेयर करना एक वर्थ रखता है। जैसे SS राजामौली सर की बाहुबली हिट, बाहुबली 2 हिट, RRR वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है, ऑस्कर जीत रही है, वैसे हमारे मोटोको सिंकाई के सर की मूवी भी अगर देखें हम, योर नेम, वेडिंग विद यू, या फिर पहली मूवी, उन्होंने भी ऐसी चीज अचीव करी है और ये मूवी भी करने वाली है। प्रेडिक्शन अब मुझसे लिख के ले लो। और अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो ये मैप उठा के ले लो। एक टाइम था जहां पे हम 6 महीना साल भर रुकते थे एक एनिमे को थिएटर पे देखने के लिए। उसके लिए हम कितने आंदोलन करा करते थे, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑनलाइन की बात करें तो पेटिशन साइन करना, जस्ट लाइक जो भी होता है, हाँ साइन करो पेटिशन के इंडिया लोग, इंडिया में इतने लोग देखना चाहते हैं। और फिर सड़कों पे जाके सब रो रहे थे, बट जैसे तैसे ये मूवियाँ 6 महीने की गैप में हमें देखने को मिलती है। बट आज की बात करें 10-15 दिन के आसपास, जहाँ पे इंडिया में 21 अप्रैल को ये देखने को मिलेगी थिएटर घरों पे, उधर ही USA में आपको आराम से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल के आसपास देखने को मिलेगी। मोटा मोटी अब ये मान लो ऑलमोस्ट एक टाइम पर रिलीज हो रही है इंडिया में भी और यूरोप में भी। ये जो चीज़ है ना, बहुत बड़ी बात है। बट अगर बात करें हमारी जापान में ये मूवी कब रिलीज हुई, जापान में थोड़ा पहले हो गया, नवंबर 11, 2022 को ये मूवी हमें थिएटर पर देखने को मिल चुकी थी जापान के अंदर। और उसके बाद जो भी हमारे ये डार्क ब्लू एरिया में मैप में जो कंट्रीज दिख रही है, इसके अंदर रिलीज ये इसी साल में हुई है, जाके मार्च में। अगर बात करें चाइना में, हांगकांग में ये मार्च में रिलीज हुई है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सारे जगह पे
ये मार्च के टाइम पे रिलीज हुई, जो मान लो एक महीने का बस फर्क है। अगर बात करें जापान की तो उसकी अलग स्टोरी है, बाकी जापान के बाहर कंट्री में देखोगे तो ये मार्च के बाद से रिलीज होना शुरू हुई है, जहां पे कुछ सालों पहले चैनल एनिमैक्स टीवी से निकाल के फेंक दिया गया था कि इंडिया के ऑडियंस को एनिमे की समझ नहीं है, वो एनिमे कंटेंट नहीं समझ पाते। और आज देखो सेम मंथ या सेम डे रिलीज डेट हमें देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये एक सेकंड रीजन इनफ है आपको थिएटर पे जाके देखने के लिए सुजुमी मूवी। और जो थर्ड रीजन है वो है फ्रेंड्स। मैं मानता हूँ ऐसी बहुत सारी एनिमे हमें थिएटर्स में देखने को मिली है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमे डब्स थे, बहुत सारे एनिमे सब्स थे, या बात करें जैसे तैसे हमें थिएटर में देखने को मिल रहे थे, बट उस थिएटर में जाने के लिए हमें हमारे जैसे लोग ढूंढने पड़ते थे जो एनिमे देखते थे, या एनिमे एटलीस्ट कोई यार इंग्लिश में देख सके। हमारे जैसे लेवल के लोग देखते थे हम आसपास, बहुत सारे टाइम में लोग मिलते नहीं थे, खुद हम मोटिवेट उतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, और अगर मिल भी गए तो अगर वो जैपनीज होते हैं तो वो चार गाली हमें ही सुनाते थे मूवी खत्म होने के बाद। बट ये सिचुएशन सारे सिचुएशन से अलग होने वाली है। सुजुमी एक ऐसी मूवी बनने वाली है ड्रैगन बॉल सी के बाद जो इंडिया में हिंदी डब के साथ रिलीज होगी, कोई एनिमे मूवी, वो भी पीवीआर पर। आज तक कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है ड्रैगन बॉल सी को छोड़ के, उसके बाद ये ऐसी मूवी है और इसका डब का लेवल हाईफाई होने वाला है। जहाँ पे ऐसे र्यूमर आ रहे हैं संकेत मात्रे सर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, अब देखते हैं क्या है, पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बट ऐसे र्यूमर्स हैं। और संकेत महात्रे सर जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं उस प्रोजेक्ट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और यही संकेत महात्रे स्टार्टिंग से स्ट्रगल कर रहा है एनिमे को इंडिया पे लाने के लिए, और इस बंदे के हाथ में अगर कुछ प्रोजेक्ट किया है तो मतलब वो एक डायमंड पीस ही निकल के आने वाला है। तो अब हम हिंदी डब में भी देख सकते हैं, हम अपने दोस्तों को भी लेके जा सकते हैं, और इस बार सारा खर्च वो देगा, हमारी टिकट का भी हिंदी में है, वो भी सो एंजॉय करेगा, हम भी करेंगे, हम उसको ले जाने का फीस लेंगे जो वो टिकट हमें पे करेगा, बाकी वो भी इंजॉय करेगा हिंदी में सुजुमी मूवी, और हम भी इंजॉय करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट की टिकट। इससे बड़ा रीजन क्या चाहिए आपको देखने के लिए। मैं चाहता हूँ आप जाओ, घर से निकलो, थिएटर बुक करो, जाओ देखो, बताओ लोगों को, थिएटर को कि हाँ हाउसफुल इसको बोला करते हैं। और जो बॉलीवुड का जो लेवल अभी है कि मूवी चल नहीं रही है, बताओ नहीं मूवी आप अच्छी बनाओ, हम देखने आएंगे, और सब कुछ होगा धीरे धीरे, बट आपको 21 तारीख को रेडी रहना है टिकट बुक करने के बाद, और सीधा मेट्रो करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, फिर उसके बाद जाना है मूवी देखना है, और उसके बाद बस एक हम जैसे फैंस के लिए एक जीत होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमने आज वही डिस्कस करा थ्री रीजन व्हाई यू शुड वॉच सुजुमी मूवी इन थिएटर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।